अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद मलिक। पहले भी मैं जो मर्दाना अमराज के मौजूआत हैं इन पे बहुत सी वीडियोस कर चुका हूँ, जो कि मेरे पुराने जो चैनल थे उन पे आप देख सकते हैं, जो कि अब डेली मोशन पे मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। लेकिन ये जो चैनल है फिटनेस विद अरशद मलिक, इसमें मैं मर्दाना जनाना फिटनेस के हवाले से, जो हम बॉडी फिटनेस हमारी होती है जिसमें बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज वर्कआउट सारा शामिल है, और इसके अलावा जो गज़ाइत वाली गज़ाएँ हैं, इसके अलावा कोई अमराज हैं जो कि आपकी जो फिटनेस है या आपकी बॉडी बिल्डिंग है उसको मुतासर करते हैं, चाहे कोई चीज़ बॉडी बिल्डिंग को या फिटनेस के हवाले से फ़ायदा मंद है या कोई नुकसानदेह है, वो इस चैनल में मैं आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस किया करूँगा। तो अगर आपको मर्दाना अमराज जो हैं, पोशीदा अमराज जिनकी बहुत सी अकसाम हैं, जिनमें ज़कावते हिस है, जरियान है, सूरत इंजाल है, इसके अलावा आपको अहतलाम की ज़्यादती है, जिस पे मैं पहले भी इस चैनल में भी एक वीडियो कर चुका हूँ नाइटफॉल के मौजू पे, तो कोई भी इस तरह का मर्ज़ है तो, और अगर लड़कियाँ, आप लड़की हैं तो आपको लिकोरिया का अगर मर्ज़ है तो, या पीरियड्स ज़्यादा आते हैं या कम आते हैं, तो आप याद रखें कि ये आपकी फ़िटनेस की जो बॉडी फिटनेस है उस पर डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। तो आपको अगर स्पेशली जो लड़के हैं, आपको पता है कि जिम करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो उनको इन अमराज से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है अगर इनका आप सदेबाब जो है वो टाइमली ना करें। आज जो मर्ज़ है मर्दाना अमराज में से, जो मैंने एक टॉपिक लिया है या एक बीमारी जो मैंने चूज़ की है, वो है ज़कावते हिस। ये जो ज़कावते हिस का मर्ज़ है, इस पे मैं बात करूँगा कि ये क्या है, कैसे होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, और ये आपकी बॉडी पे क्या किस तरह आपकी बॉडी को और आपकी जो लाइफ है, सेक्सुअल लाइफ आगे जो चल के शादी के बाद, उसको कैसे असरअंदाज आप करेगी। ज़कावते हिस असल में क्या चीज़ है? ज़कावते हिस अगर आप बालिग हैं, जवान हैं, एज का कोई इसमें पाबंदी नहीं है, सिर्फ आप बालिग हों, बलूगत में आपने कदम रखा है, तो ये मर्ज़ जो है, अगर आप 50 के हैं तब भी आपको हो सकता है, 60 के हैं, मैंने बड़ी बड़ी एज के बंदे देखे हैं अपनी लाइफ में जो कि ज़कावते हिस के शिकार हैं, और जवानों में तो इसकी जो शरह है वो ज़्यादा है। अच्छा, इसमें ज़कावते हिस होती क्या है? ज़कावते हिस ये है कि आपके जो नफ्स है, आपका नफ्स है, वो ज़रा सी बात पे भी अगर आपने जिनसे मुखालिफ यानी किसी लड़की को देखा है, ज़रा सा आपके जहन में कोई ख्याल आया है, हत्ता कि कई लड़के इतनी शदीद मर्ज़ में, ज़कावते हिस की शदीद मर्ज़ में मुबतला होते हैं कि उनको कोई गलत सोचते भी नहीं हैं, कोई लड़की से हाथ मिलाते हैं या उनको देखते हैं या उनके पास बैठते हैं, या कोई सीन देख लिया नॉर्मल टीवी में, मूवी में कोई आ गया सॉन्ग, या कोई बात कर ली किसी से, लड़की से, तो फौरी नफ्स में सख्ती आ जाती है बिला वजह, या वैसे भी दिन में कई दफ़ा सख्ती आती रहती है, और सख्ती आके फौरी ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद लेसदार ट्रांसपेरेंट टाइप का पानी जो है वो आपके नफ्स में से आना शुरू हो जाता है, तो इसको ज़कावते हिस बोलते हैं। ये जो मर्ज़ है आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो फिर जरियान की शक्ल इख्तियार कर जाता है, जिसमें आपको सख्ती नहीं भी आएगी तो आपको कतरे जो हैं मज़ी के या मनी के, चाहे पेशाब के साथ आएँ, पेशाब से पहले आएँ, पेशाब के बाद आएँ, चलते फिरते आएँ, रात को आप सोए हैं, सुबह उठे हैं, तो आपके नफ्स पे पानी के कतरे आपको फ़ील होंगे जो मज़ी के मनी के, तो आपका वो मर्ज़ जो है ज़कावते हिस का जरियान की शक्ल अख्तियार कर जाएगा, फिर आपको सख्ती नहीं भी आएगी तो कतरे आएंगे। फिर ये जब मर्ज़ बढ़ता है जरियान का, तो फिर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि नफ्स में सख्ती का मसला पैदा होना शुरू हो जाता है, उसके बाद शादी के बाद जो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी फेस करनी पड़ती है, वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्री मेच्योर एजेकुलेशन यानी कि सुरते इंजाल जिसको बोलते हैं, यानी कि आप इंटरकोर्स से पहले ही, या अगर इंटरकोर्स कर भी लेते हैं तो कुछ सेकेंड्स में ही डिस्चार्ज हो जाते हैं औरत को सेटिस्फाई किए बगैर। तो ये सारे जो अमराज हैं मेजोरिटी, ये नहीं मैं कह रहा कि 100% ही है, मेजोरिटी ज़कावते हिस की वजह से ही शुरू होते हैं। ज़कावते हिस कैसे होता है? ज़कावते हिस जो है इसकी मेन रीज़न है गलत सोच, गलत सोसाइटी, गलत हरकतें, मुशतज़नी बहुत बड़ी वजह है इसकी। इसके अलावा जना की ज़्यादती,
यानी कि अगर आप हम बिस्तरी या कसरत जमा जो है वो ज़्यादा करते हैं। कसरत जमा क्या होता है कि हम बिस्तरी की ज़्यादती, काफ़ी इंडियन लोग हैं उनको समझ नहीं आती, तो वो करते हैं तो तब भी आपको हर वक्त आप सोचते रहते हैं सेक्सुअल। उसके अलावा कई मैंने लड़के, कई नहीं बहुत से लड़के ऐसे देखे हैं जो मुझसे भी रब्ता करते हैं, वो हर टाइम उनका जो फोकस है वो नफ्स पे होता है कि मेरा नफ्स कैसा है, मेरा नफ्स क्या कर रहा है, मेरा नफ्स जो है वो लड़का हुआ है या छोटा है या बड़ा है, या उसका जो लूज़ ढीला होने के बाद क्या साइज़ है, हार्ड होने का, मतलब हर वक्त उनकी ये सोच उनके जहन में घूमती रहती है। कुछ लोग लड़कियों के बारे में सोचते रहते हैं, कुछ लोग लड़कियों से बातें करते रहते हैं, गंदी मूवीज़ देखना, पोर्न मूवीज़, ये जो सारी चीज़ें हैं, हिर्स करना, सेक्स के बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें सकावटें इसका बायस बनती हैं। उसके बाद जो इंडिया पाकिस्तान है इसमें ग़ज़ाएँ जो हैं वो हमारी खालिस नहीं हैं, हम जो ग़ज़ाएँ खाते हैं उनमें खाद जो डाली जाती है ये भी आपको अंदर से गर्म करती है, गर्म चीज़ें हैं, ब्रॉयलर मुर्गी है, इसके अलावा नाखालस चीज़ें हैं। और उसके बाद फिर जब होटलिंग जो है हमारे बहुत ज़्यादा जो हम बाहर से पिज़्ज़े और ये इतनी शदीद गर्म चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं पिज़्ज़ा बर्गर इस तरह की, ये आप महीने में एक दो दफ़ा, हद दो दफ़ा अगर करते हैं तो ये ठीक है, लेकिन हमारे अब जो रूटीन बनती जा रही है तकरीबन डेली या एक दिन छोड़ के एक दिन हम लगातार ये कर रहे हैं, तो ये उस पर सोने पर सुहागा है, यानी कि जुकावते इसके मर्ज को, जैसे आग को हम ऊपर तेल फेंकते हैं मिट्टी का या पेट्रोल फेंकते हैं तो ये पेट्रोल का काम करता है, तो आपका मर्ज जो है वो बढ़ता जाता है चाहे उसमें आप दवाइयाँ खाते रहते हैं। उसके बाद फिर जो एक बड़ी इसकी रीज़न जुकावते इसके मर्ज को बढ़ाने की और जुकावते इसका मर्ज पैदा करने की वो ये है कि जो लड़के हैं मैंने देखा है कि नफ्स में पाँच दिन या छः दिन सख्ती नहीं है, ऐसे ऐसे लड़के, मैं दुबई गया हूँ तो वहाँ पर मुझे बंदे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि भाई जान हमारे 15 दिन से नफ्स में सख्ती नहीं आई, हम परेशान हैं, हम मतलब नफ्स में सख्ती आप अगर सेहतमंद हैं तो आपके नहीं आएगी, क्यों आएगी आपकी, जब हम बिस्तरी नहीं कर रहे, आप कोई गलत मूवी नहीं देख रहे, आप कोई गलत हरकत नहीं कर रहे तो नफ्स में सख्ती क्यों आए, ऐसे ही बिला वजह नहीं आती है। रात को अगर आप सोते हैं तो सुबह समटाइम्स जो मर्द हैं उनको आ जाती है, वो नॉर्मल है, अगर नहीं भी आती तब भी नॉर्मल है, तो उसमें परेशानी की बात नहीं है। तो वो इस तरह फिर जब अगर आप किसी हकीम के पास जाते हैं तो वो अपना सौदा बेचने के लिए आपको कोई ना कोई चीज़ दे देते हैं कि जी ये खाएं, वो जो दवाइयों का बीजा इस्तेमाल है देसी दवाइयों का, इंग्लिश दवाइयों का, होम्योपैथी का, तो वो आपको जो इंग्लिश मेडिसिन है वो तो डेफिनेटली खुश्क और गर्म होती ही हैं, उनमें बहुत कम मेडिसिन मैंने देखी हैं जो आपको ठंडी होंगी, बाकी ज़्यादातर वो गर्म और खुश्क होती हैं। जो देसी बूटियाँ हैं इनमें भी जो आपको दे रहे हैं इतना आजकल कोई चंद एक लोग निकाल के, ज़्यादा नॉलेज है नहीं लोगों को, एक मत का दुकानदारी है, तो वो क्या करते हैं वो आपको दवाई दे देते हैं, उनको भी नहीं पता कि इसमें गर्म कौन सी है, खुश्क कौन सी है, इसको ज़रूरत है या नहीं है। उसके बाद आजकल जो ट्रेंड चला है, ये जो इंटरनेट पे हिकमत है उसके इतने नुस्खे पड़े हैं, हर बंदा सकावते इस ये जी नफ्स को सख्त कर लें, ये जी बड़ा कर लें, ये जी लंबा कर लें, उसमें ये है कि वो लड़के जो है वो समझ के बगैर ही, किसी गाइडलाइन के बगैर ही उसको यूज़ किए जा रहे हैं, तो वो भी आपके अंदर गर्मी खुश्की पैदा करते हैं और उसकी वजह से भी आपकी सकावते ही अगर थोड़े लेवल पे है तो वो बढ़ जाती है। तो ये जो सारे अवामिल हैं ये सकावते इसको पैदा करते हैं और बढ़ाते हैं। सकावते इससे अगर आप बचना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं सकावते इसका इलाज करूँ, तो आप यकीन करें कि मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूँ अपने तजुर्बे की, जो कि मैंने हज़ारों लाखों लोगों पर आजमाए हैं, मैंने उनकी स्टोरियाँ सुनी हैं, प्रॉब्लम सुन के फिर मैं जो तजर्बा या कोई नतीजा अखज़ करता हूँ तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों को मेरी बातों से फ़ायदा हो। नुस्खे इस्तेमाल करना या लेना कोई बड़ा मार्का नहीं है, बाज़ार में जाएं किताबों के ढेर लगे पड़े हैं, नुस्खे भरे पड़े हैं, उसके बाद अब किताबों की भी ज़रूरत नहीं है, अब नेट पर भी इतना नुस्खा पड़ा है, हर दूसरा चैनल जो है पाकिस्तान में वो हेल्थ का है, हिकमत का है, तो वो नुस्खे पर नुस्खा दे रहे हैं, नुस्खा इस्तेमाल करके देख लें आपका उससे बढ़ेगा मर्ज़ जो है वो बढ़ेगा। जो प्रॉपर गाइडलाइन है, जो तरीकाकार है, जब तक उसको फॉलो नहीं करते हैं तब तक आपका मर्ज़ जो है वो कभी भी, या आपकी जो मेडिसिन है वहाँ पे असर नहीं करती है बल्कि आपको ख़राब करती है। आप यकीन करें कि अगर आप सबसे पहले अपनी आदतें नहीं छोड़ेंगे, यानी कि जिस वजह से आपको सकावते इसका मर्ज पैदा हुआ है, जब तक आप उसको नहीं छोड़ते हैं, उसको ख़त्म नहीं करते हैं, तब तक आप कभी भी सकावते इसके मर्ज से, या कोई भी मर्ज है
मुर्दाना अमराज है, वैसे नॉर्मल जो अमराज हैं उनसे आप नहीं निकल सकते हैं जब तक आप उसकी रीज़न को ख़त्म नहीं करते हैं। सबसे पहले क्या करें कि ये जो बातें हैं, गलत बातें लड़कियों से, कोई फ़ोन पे कोई गर्लफ्रेंड है कोई उससे बातें करते हैं, या उसके बाद आप गंदी मूवीज़ देखते हैं, गंदी वीडियोज़ देखते हैं, इनको छोड़ें। गंदी कंपनी है उसको छोड़ें, जना है तो उसको छोड़ें। जना अपने आप में भी आपको पता है गुनाह है, तो फिर उसकी सज़ा जो है वो हमें अल्लाह ताला मर्दाना अमराज की शक्ल में देता है, जो कि हम सारी ज़िंदगी भूखते हैं, आगे पैसा भी लुटाते हैं और सेहत भी और शर्मिंदगी भी। मैं आप यकीन करें कि ऐसे ऐसे लड़कों को जानता हूँ जो मुझसे भी रब्ता करते हैं, मुझसे गाइडलाइन भी लेते हैं। आगे मैंने आपको पता होगा, मेरी वेबसाइट पे देखा होगा आपने, मैंने पेड प्लान भी सेल करने शुरू किए हैं जो पर्सनल गाइडलाइन के लिए। अगर कोई पर्सनल गाइडलाइन मुझे देना चाहता है 3 महीने 6 महीने साल की, तो मैं उसको गाइड करता हूँ। ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं। दुबई में गया हूँ जनवरी में, वहाँ पर मुझे मिले हैं। इंशाल्लाह फिर मैं ईद के बाद, मेरा इरादा है जाने का। तो ऐसे ऐसे लड़के हैं, जवान लड़के 24-25, ये नहीं है कि 50 साल का लड़का है जी बाबा है तो उसको शायरी नहीं आती या उसको वो डिस्चार्ज हो जाता है। जवान लड़के जो 24-25 के हैं, शादियां हुई हैं, 3-3 महीने हो गए हैं अभी तक जी हम बिस्तरी नहीं कर सके, इंटरकोर्स नहीं कर सके हैं। तो आप सोचें कि उनकी बीवियों पे, उन पे खुद पे क्या बीतती होगी कि यार इतनी भरी जवानी में भी हम, और मरस क्या है, ये जकावते ही सह जकावते ही आगे कन्वर्ट हो गया है जी इसमें सूरत इंजाल में, अब जी इंटरकोर्स करने से पहले ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो उनको मैं यही कहता हूँ कि पहले आप अपनी डाइट पे 1 महीना कम से कम आप डाइट करें, अपनी जो बॉडी है। जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ हर दफ़ा कि जब आप एक कोई किसान है वो ज़मीन पे फसल उगाना चाहता है, तो वो कभी भी इस तरह जाके बीज नहीं फेंक देता उस पर, या खाद नहीं फेंक देता, या पानी नहीं देने लग जाता। इस तरह फेंक दें वो कभी भी नहीं उसमें बीज उगता ना फसल उगती है। उसको पहले वो जो ज़मीन होती है उसको बनाते हैं, उस पर हल चलाते हैं, उसको नरम करते हैं, उसको इस काबिल करते हैं कि वो उसमें खाद मिला के फिर उसको दोबारा हल चलाते हैं ताकि मिक्स हो, उसमें मिट्टी ज़रखेज़ हो, फिर जाकर उस पर बीज डालते हैं, पानी डालते हैं। तो सारा तरीकाकार एक स्टेप बाई स्टेप होता है। इस तरह अगर हो तो मेरे जैसे भी उठ के भैया ज़िम्मेदारा शुरू कर दें कि ज़मीन ली उस पर ऐसे बीज फेंक के आ गया दूसरे दिन उग जाएगा तो फसल बेच लेंगे, इस तरह नहीं होता। आपको अगर अपना इलाज करना है किसी भी मर्ज का, चाहे ज़कावते ही है कोई भी है, तो उसके लिए पहले 1 महीना अपनी बॉडी को बॉडी में हल चलाएं, अपनी खुराक पे ध्यान दें कि मैं क्या गलत खा रहा हूँ। उसमें जो मैं प्लान लोगों को सेल करता हूँ उस पर मैं, अब इस पर मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कोई लाखों बंदे सुन रहे हैं, हज़ारों बंदे सुन रहे हैं, वो कोई क्या खाता है, कोई क्या खाता है, मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन उसमें मैं ये है कि पर्सनल मुझे पता होता है, मैं उससे पूछता हूँ कि क्या खाते हो सुबह शाम दोपहर सारा, तो फिर मैं उसको इसी तरह आप अपने देखें कि मैं ये गलत चीज़ खा रहा हूँ, ये गर्म है, ये ठंडी है, इसमें ये मुझे नुकसान देती है, होटलिंग में इतनी कर रहा हूँ, पिज़्ज़ा में इतना खाता हूँ, मेरी डेली लाइफ है उसमें रूटीन में दही नहीं है, मेरी रूटीन में दूध नहीं है मेरे पास, मैं जो डेली खुराक खाता हूँ उसमें मैं चाय कितनी पीता हूँ, उसमें मैं जूस कितने पीता हूँ, खट्टी चीज़ें कितनी खा रहा हूँ, मैं मुशद्दनी कितनी कर रहा हूँ, मैं गलत बातें कितनी सोचता हूँ। ये जब तक आप नहीं छोड़ते हैं, अपना बॉडी को सीधा नहीं करते हैं, तो आप उसको जो मर्ज़ है उसको कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आप पहले अपना 1 महीना अपनी बॉडी को बेहतरीन करें। जब आप देखें कि, और आप यकीन करें कि मैं जो लोगों को बताता हूँ तो उसमें मुझे वो लोग कह रहे होते हैं कि भजन 50% तो हमारी इस पहले महीने में ही जो हम प्रेज़ कर रहे हैं आपने बताई है उसी में ही हमारा काम जो है वो सीधा हो गया है। तो आपको मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि बजाय नुस्खों के अपनी रूटीन को चेंज करें, खुराक को चेंज करें। और फॉर एग्जांपल कोई ऐसा नुस्खा आप यूज़ कर भी लेते हैं कि जो ज़कावते इसको वक्ती तौर पे ख़त्म कर देता है, कोई ठंडा ऐसा आप खा लेते हैं, तो आप यकीन करें कि वो जब नुस्खा ख़त्म करेंगे आप, तो उसके बाद फिर आप जब अपनी रूटीन पे आएंगे, खुराक अपनी वही खाएंगे, या अगर आप मुशज़नी या कोई हफ्ते इस तरह के करते हैं तो वो आपका डेफिनेटली दोबारा शुरू हो जाएगा। उसमें ये नहीं है कि वो आपका मुस्तकिल ख़त्म हो गया है। ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं कि जो मुझे पूछ रहे होंगे कि भाई जान हमारी शादी 2 साल बाद है, तो कोई ऐसा नुस्खा बता दें भाई कोई ठंडा जो हम खा लें तो हमें जो है वो हरकत ना आए 2 साल। यार अजीब ही बात है कि भाई 2 साल हरकत ना आए, ऐसा कोई है कोई सिस्टम के
आप अपनी मर्दानगी जो है वो 2 साल के लिए उसको ख़त्म कर लें, और फिर उसको परहेज़ होती है भाई, अपने आप को सीधी राह पे चलाएं, नमाज़ पढ़ें, रोज़े रखें, जो तरीक़ाकार है इस्लाम में बताया गया है उसके उसको फॉलो करके ज़िंदगी गुजारें। तो आपको क्या ज़रूरत है यार ठंडे, एक दफ़ा किसी के पास जाएंगे, किसी हकीम के पास, उसको ऐसे कहेंगे कि जी 2 साल वास्ते दे दो ठंडा, कोई 2 साल हरकत ना आए, फिर ऐसी हरकत ना आएगी कि सारी ज़िंदगी हरकतों के लिए फिर हरकत करते रहेंगे कि यार हरकत आई सी। अब ये बच्चों वाली बातें हैं, बेवकूफ़ाना बातें हैं जो आप करते हैं, इस तरह की बातों पे अपना जाया करें और अपनी लाइफ को, अपनी फिटनेस को, अपनी जो पैसा है उसको सेव करें। जब आप इस किसी के पास भी इस तरह जाते हैं कि मुझे जी कोई भी, या जो ये लोग जो होते हैं कोई भी प्रोफेशनल काम करने वाले, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, मैं अब इतने लोगों से मिलता हूँ, मुझे तजुर्बा है कि कौन क्या है, किसको क्या मर्ज है, किसको क्या मसला है। जब मेरे पास कोई बंदा ऐसे ही आ जाएगा, उसको कुछ भी नहीं है, तो वो मस्खरी करने के लिए आएगा कि भाई मेरे मुझे नफ्स में सख्ती नहीं आई, इतने दिन हो गए हैं, मेरी शादी भी नहीं हुई, या मुझे प्री मेच्योर एजुकेशन का मसला है, मुझे लगता है कि मुझे मसला है तो मुझे आप बताएं, या मेरे नफ्स का साइज़ जो है वो इतने इंच है तो इतने इंच हो जाए। तो आप यकीन करें कि ऐसे बंदे हैं वो कहेंगे भाई हमें कैसे पता चलेगा कि मैं कुछ करता भी नहीं हूँ, गलत रखते भी नहीं करता, तो मुझे शादी से पहले कैसे पता चलेगा, मैं टेस्ट कैसे करूँ कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। यार आप जब कुछ नहीं करते हैं तो आप ठीक हैं, आपको क्या ज़रूरत है टेस्ट करने की। तो जब आप इस तरह का बंदा मेरे पास आता है तो मैं फिर उसको क्या करूँगा, मैं कहूँगा यार चलो पैसे बनाओ, इसको जो इतना ये पता ही नहीं है या इतना ये मस्खरी कर रहा है कि खुद पैसे इसके पास ज़्यादा है ले के आया है, तो फिर कौन छोड़ता है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि छोटी छोटी बातों में ना पड़ा करें, और सारा दिन जो ये वहम करते रहना, सोचते रहना कि भाई सख्ती नहीं आती है, नफ्स का साइज़ कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो मैंने सारी वीडियोस में इतना पहले भी आपको गाइड किया है, और मेरी वीडियो से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है कि हज़ारों नौजवानों को जो मुझसे रब्ता भी करते हैं जो नहीं करते उनको बहुत फ़ायदा, नुस्खों से नहीं, नुस्खे तो अपनी जगह पर रह गए, जो मैं गाइड करता हूँ लोगों को बताता हूँ उनसे लोगों को हज़ारों की तादाद में फ़ायदा होता है, और औरतें भी बच्चे भी लड़के जवान हैं, उसके अलावा मर्द भी मुझे लिखते हैं कि भाई हमें इतना फ़ायदा हुआ, हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया, तो और ऐसे ऐसे लड़के भी हैं जो कि मुश्किल से नहीं छोड़ने से ही आप यकीन करें कि ठीक हो गए हैं। तो ये जो मर्ज है उस कहावत इसका, अगर आप इसको इस पर काबू नहीं पाते हैं और आप बॉडी बिल्डिंग करते रहें, आप जिम करते रहें, तो आहिस्ता आहिस्ता ये आपको खोखला करता जाएगा। गिज़ा जो खाएँगे आप, ज़ाहिर है कि जो बॉडी बिल्डिंग के लिए आपको गिज़ा ऐसी खानी पड़ती है जो पावरफुल हो, पावरफुल गिज़ा जो है वो गर्म होती है, तो वो आपकी ये ज़कावते इस जो है इसको बढ़ाती रहेगी, ज़कावते इस बढ़ेगा आपको खोखला करती रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बॉडी बिल्डिंग के काबिल नहीं रहेंगे, आपकी कमर में दर्द, आपकी जोड़ों में दर्द, आपकी घुटनों में ये जो दर्द है शुरू हो जाएगा, और आपके मसल जो है वो बनने की बजाय कम होना शुरू हो जाएंगे, और आप जो है वो सेक्सुअल जो मराज हैं उनमें बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। मैंने बड़े बंदे देखे हैं, लड़के देखे हैं जो बेहतरीन बॉडी बिल्डिंग करते थे, उनकी बॉडी बेहतरीन थी लेकिन मराज पे काबू ना पा सके, क्योंकि गाइड करने वाला नहीं है, हर बंदा यही बताता है कि ये खा लो। अब किसी के पास जाएं, आपको कोई इंस्ट्रक्टर है तो उससे कहते हैं कि भाई बॉडी बनानी है, वो नहीं कभी भी पूछता आपसे कि यार तो आप कतरे तो नहीं आते, आपको गर्मी तो नहीं है, आपको खुश्की तो नहीं है, वो कहते हैं ठंडे खाना शुरू कर दो, इतना कीमा खाना शुरू कर दो, ये खाना शुरू कर दो। तो वो जो लड़का पहले ही ऑलरेडी उसको 80% जो लड़के हैं हमारे इंडिया पाकिस्तान के, उनको ये किसी ना किसी सूरत में कोई ना कोई इस तरह का मर्ज़ लाजमी होता है गिज़ाओं की वजह से, और ख़ास तौर पे ये जो आजकल गलत मीडिया चला हुआ है और इसकी वजह से, तो वो जब उसको अंडे और ये चीज़ें खिलाना शुरू करते हैं तो वो आपका और भी काम जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अंडे और इस तरह की चीज़ें वो लोग बर्दाश्त कर सकते हैं जो बॉडी को ठंडा रखते हैं, हेल्दी होते हैं, उनकी आसाब जो हैं उतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो इस तरह की चीज़ों को काबू कर सकते हैं, अपनी सोच पे काबू पा सकते हैं, कोई लड़की बैठी है उसको काबू पा सकते हैं, मतलब उस पर उस अपनी सोच पे। मैं आप यकीन करें कि लड़कियों के साथ भी काम करता रहा हूँ इंग्लैंड में, गोरियों के साथ भी, उनके साथ मजाक भी, टच करना, कभी हक कर लेना शुगल में, और आज तक मुझे कभी सख्ती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक अपनी बॉडी पे कंट्रोल इतना होना चाहिए कि जब आपका टाइम आए तब आप तैयार हों सेक्सुअली। ये नहीं है कि आप हर वक्त जब आपकी लड़की देख ली है या टच कर ली है तो आपको सख्ती आ गई है, तो वो जो मर्ज़ है वो कतरे आना सारा जो है आपको एक तरफ ले जाता है, जो कि आपका बाद में बहुत ज़्यादा
एक भयानक शक्ल में सामने आती है चीज़। तो ये एक मैंने आपको ज़कावतेज़ का बताया है कि ज़कावतेज़ का मर्ज़ जो है वो कैसे होता है, क्या है, और इसको आप कैसे काबू पा सकते हैं। अगर आप किसी फॉर एग्जांपल किसी तबीब के पास भी जाना चाहते हैं, खुद नहीं करना चाहते, या आपको नुस्खा आपको नहीं मिल रहा, या आपको समझ नहीं है इतनी, तो तबीब के पास आप जाएंगे तो आप यकीन करें कि आपको तबीब जो है वो इतनी बातें कभी भी नहीं बताएगा। वो पैसे लेके आपको दवाई दे देगा, चाहे वो अच्छा तबीब भी है। तो इसलिए ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इनको पहले तबीब के पास जाने से पहले 1 महीना 1.5 महीना अपने आप पे लागू कर लें, परहेज़ कर लें, खुराक को ठंडा कर लें, तरी वरी चीज़ें खाएँ। ज़कावते इस बेसिकली खुश्की का मर्ज़ है, खुश्की पैदा बॉडी में बढ़ जाए, गर्मी और खुश्की, गर्मी से ज़्यादा भी खुश्की जो है, तो वो ज़कावते इसको जन्म देती है, बढ़ाती है। खुश्की को ख़त्म करिए, देसी घी खुश्की को ख़त्म करता है। मक्खन जो है वो बहुत बेस्ट है, मुरब्बे खाएं, सेब के, आंवले के, गाजर के, इस तरह के मुरब्बे आसाब को मज़बूत करते हैं। इसके अलावा अंडे पराठे, इनको इनसे परहेज़ करें, गोश्त बीफ से परहेज़ करें, बादी चीज़ों से परहेज़ करें, पालक गोभी आलू चावल इनका ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। दालों में मूंग की दाल, जो मूंगी की दाल है वो अच्छी होती है, बाकी दालें जो है ज़्यादा गर्म होती हैं उनको दालों से परहेज़ करें। मछली बहुत खुश्क है, मछली से परहेज़ करें इस मर्ज़ के दौरान। अगर ये नहीं मैं कह रहा कि टोटली छोड़ दें, लेकिन ये है कि अगर बहुत ज़्यादा खाते हैं तो कम कर दें हफ्ते में एक दफ़ा। चिकन जो है वो कोशिश करेंगे देसी खाएं, और जितने भी गोश्त हैं चाहे मटन है चाहे चिकन है उनको शोरबे की शक्ल में खाएं, या उनमें कोई सब्ज़ी डाल के, जिस तरह कद्दू है, टिंडे हैं, तोरियां हैं, शलजम है, ये सब्ज़ियाँ डाल के खाएँ। बैंगन से परहेज़ करें, बैंगन गर्म है। इसके अलावा आप जूस जो है फ्रेश फलों का, ये डिब्बे वाला जूस कोई नहीं इनका फ़ायदा होता, फ्रेश जूस जो है वो मीठे फलों का वो निकाल के पिए। गर्म जो फल हैं जिस तरह आम है, खरबूजा है, ये जो अंगूर है, इन तरह के फलों को, ये नहीं मैं कह रहा कि छोड़ दें लेकिन कम कर दें। इसके अलावा दूध में जो शरबत होते हैं ये वाले बाज़ार से आपको मिलते हैं, रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी, ये डाल के ये पिए। इसके अलावा दूध सोडा बना के पिए, 7 अप की बोतल डाल के दूध में, वो इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट मैं आपको मशरूबात भी बना के अलग दिखाऊंगा। कच्ची लस्सी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, कच्ची लस्सी के इस्तेमाल ज़्यादा करने से मैंने इतना बताया है लोगों को, तो 50% 40% मर्ज़ जो है वो चला जाता है। इतनी बेहतरीन चीज़ें हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में गर्मी है, गर्मी को आपने निकाल दिया, खुश्की को कम कर दिया, तो 50% तक तो चला जाता है। तो सोच को बदल लें। इसके अलावा और गिजाओं में मैं आपको क्या बताऊँ, यही मतलब चीज़ें हैं मैंने जो मेरे जहन में आ गई हैं मैंने आपको बता दिया है। तो बाजारी चीज़ों को तो बिल्कुल आप खैराबाद कह दें, अगर कोई चीज़ आपको चस्का लगाना है, कोई कढ़ाई गोश्त का कोई, तो वो घर में बना लें, घर में जो, और एक जो डिब्बे वाले मसाले होते हैं स्पाइसेस जो डिब्बों में मिलते हैं कंपनीज के बने हुए, उनसे बिल्कुल जान छुड़ा लें, वो आपकी बवासीर का भी बायस बनते हैं, आपको ये जो गर्मी वाले अमराज हैं ये भी पैदा करते हैं। मसाले स्पाइसेस चाहे आप गर्म मसाला यूज़ करें, जो भी करते हैं घर वाले मसाले यूज़ करें, और मिर्चें जो हैं वो कोशिश करें काली मिर्चें या हरी मिर्चें यूज़ करें, लाल मिर्चें जो हैं वो थोड़ा कम यूज़ करें। तो ये थोड़ी दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दही को जब भी इस्तेमाल करें पतला करके थोड़ा पानी ठंडा डाल के वो खाएं, तो इंशाल्लाह आपका जो मर्ज़ है ज़कावते इसका उस पर बहुत ज़्यादा आप काबू पा सकेंगे। और यही टाइम है, अगर आप अभी आपकी एज है तो उस पर काबू पा लें, फिटनेस अपनी रखें, बॉडी बिल्डिंग करें, जिम जाएँ, अपने अपने आप को पॉजिटिव तरफ लगाएँ और अपना कैरियर बनाएं। ठीक है, ये जो बातें हैं, ये गंदी मूवीज़ देखते रहना, गंदे सोच सोचते रहना, लड़कियों से बातें करते रहना, ये यहीं पे रह जाएंगी। आपका जो गोल्डन टाइम है लाइफ का वो जब गुजर जाएगा तो इनमें से किसी ने भी नहीं आपको पूछना, ना ही कोई अपने आप पे इल्ज़ाम लेगा, सभी यही कहेंगे कि भाई तुम अपनी अपना तुम टाइम तुमने खुद वेस्ट किया है, हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो आपको अपने बारे में खुद सोचना है, कोई भी नहीं सोचेगा। मैंने आपको बता दिया है, आगे भी इंशाल्लाह अगर मेरी ज़िंदगी रही और ये चैनल रहे तो इंशाल्लाह आपको गाइड करता रहूँगा, कोई ना कोई बीमारी आगे जरियान को कवर करूँगा, आगे सूरत इंजाल को कवर करूँगा, और साथ साथ फिटनेस में भी आपको बताऊँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर आपको पसंद आई है, और अगर चैनल आपको पसंद आया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जो है उसको दबा दें ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।